दोस्तों MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, अभी तक ये सर्विस आपको मिल रही थी, लेकिन दोस्तों फिलहाल ये सर्विस बंद कर दी गई है 16 दिसंबर तक के लिए। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर तक आप जो है MNP नहीं करा पाएंगे, यानी कि MNP के द्वारा आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जा सकते थे। लेकिन अब जो यहाँ पर सिस्टम है MNP वाला दोस्तों, वो यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है। क्या कुछ नए जो है नियम यहाँ पर ट्राई के द्वारा लागू किए जा रहे हैं और अब MNP कराने में आपको कितना टाइम लगेगा, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन आता है उसे भी आप लोग जरूर से प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं MNP यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में। आप लोगों को पता है ये सर्विस जो होती है, अगर आप किसी ऑपरेटर की जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसकी सर्विसेज से खुश नहीं है और आप उस टेलीकॉम ऑपरेटर को छोड़ना चाहते हैं, दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में जाना चाहते हैं और अपना जो नंबर है दोस्तों वो नंबर सेम रखना चाहते हैं, यानी कि वही नंबर रखना चाहते हैं, तो अभी तक MNP के द्वारा इस सर्विस के द्वारा आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन ट्राई आप यहाँ पर जो है अपने नियम को जो है चेंज कर रहा है और ये जो नए नियम होने वाले हैं दोस्तों, वो 16 दिसंबर से लागू होने वाले हैं। इसलिए 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक फिलहाल आप कोई भी UPC कोड जनरेट नहीं कर पाओगे, ना ही आप जो है MNP यहाँ पर करा पाओगे। बात करते हैं कि 16 दिसंबर से क्या होने वाला है। आप लोगों को पता है अभी तक आप जो UPC कोड जनरेट करते थे वो आपका 14 डेज के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब जो UPC कोड आप 16 दिसंबर के बाद जनरेट करोगे दोस्तों, वो केवल 4 डेज के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर या जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जैसे असम वगैरह, वहाँ पर जो UPC कोड होने वाला है दोस्तों, वो 30 डेज के लिए वैलिड रहने वाला है। और पहले आपको जो MNP कराने में टाइम लगता था, यानी कि जो नंबर आपका चेंज होने में टाइम लगता था, वो करीबन 7 डेज का टाइम वहाँ पर लग जाता था। लेकिन फिलहाल अगर आप जो है सेम सर्किल में अपना नंबर चेंज करा रहे हैं तो आपको केवल जो है 3 डेज का यहाँ पर टाइम लगेगा, यानी कि 3 दिनों के अंदर अंदर आपका जो नंबर है वो दूसरे ऑपरेटर में चेंज कर दिया जाएगा। जबकि आप जो है एक सर्किल से दूसरे सर्किल में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम 5 डेज का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम आपका काफ़ी कम किया जा रहा है और UPC कोड जो होगा उसके लिए भी टाइम आपको कम दिया जा रहा है। तो ये जो नए रूल लागू होने वाले हैं दोस्तों, वो 16 दिसंबर से लागू होने वाले हैं। वैसे ट्राई जो है कई बार जो है इन्हें जो है आगे डेट बढ़ा चुका है इनको लागू करने वाली, लेकिन देखते हैं कि इस बार जो है 16 दिसंबर से नए रूल यहाँ पर लागू किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। आप लोग बताना कि आप लोग भी अगर MNP कराना चाहते हैं तो कौन से ऑपरेटर से आप लोग किस ऑपरेटर में जाना चाहते हैं, ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना।